हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग मैंने आप सब लोगों के साथ एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर करी थी उसमें मैंने बताया था कि हमारे एरिया में पावर सप्लाई की बहुत प्रॉब्लम चल रही है वोल्टेज बहुत कम हो जाती है जिसके कारण एसी वगैरह बिल्कुल नहीं चलते और जो मेरा स्टूडियो है जहाँ पे मैं लेक्चर्स लेता हूँ वो कमरा बहुत छोटा है आई थिंक आठ बाय आठ का भी नहीं है मतलब बहुत छोटा कमरा है ये है ना और उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि साउंड प्रूफिंग मैंने करवा रखी है और साउंड प्रूफिंग का मतलब है कि कोई खिड़की नहीं है कुछ है नहीं है कमरे में है सब बंद हो गया है एकदम और एक छोटे से कमरे में खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात है सांस ही नहीं आता है ना और उसके बाद ए चलाएंगे थोड़ा सा चलता था और कट मार देता था कोर्स वो कट मारेगा क्योंकि वोल्टेज ही नहीं है तो क्या करें अल्टीमेटली मतलब मैं बहुत परेशान था मैं सुबह चार बजे उठ के रिकॉर्डिंग करता था मैंने वो भी अपना बंद कर दिया शेड्यूल क्योंकि रात को एक बजे दो बजे लाइट चली जाती थी कट हो जाता था है ना अल्टीमेटली मतलब बहुत परेशान थे हम लोग है ना और फिर अब जा कर के कुछ ठीक हुआ है ना वायरिंग वगैरह सारी चेंज हो चुकी है हमारे घर के आसपास की और एक मतलब मतलब बहुत कुछ चेंजेस किए हैं Uh, तो इन मामलों में तो एटलीस्ट मैं कहूँगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी uh, डिपार्टमेंट है थोड़ा बहुत काम किया है उन्होंने है ना और अल्टीमेटली अब तो उन्होंने कहा था कि अब ये प्रॉब्लम्स दोबारा नहीं होंगे ठीक है तो होप फॉर द बेस्ट आज कुछ ठीक रहा दिन में मतलब थोड़ा सा मतलब यू कैन से कि वोल्टेज वगैरह डाउन नहीं हुई तो मैंने आज कोशिश करी है और एक पेड का लेक्चर तो मैं बना दिया आज ठीक है और अब बस मुझे लग रहा था कि YouTube का भी बनाना चाहिए लेकिन प्रॉपर बात करो ना एनर्जी नहीं है क्योंकि इतनी रातों की नींद भी पेंडिंग है है ना कभी मतलब लाइट आ रही है जा रही है अब खुद समझ पा रहे हो रात को एक बजे लाइट चली जा रही है है ना फिर दो बजे तीन बजे फिर आ रही है फिर चली जाती थी तो मतलब लोग बहुत ज्यादा तंग थे बहुत ज्यादा परेशान थे तो आज तो मैं रेस्ट ही करता हूँ ठीक है कल से यूट्यूब के लेक्चर्स प्रॉपर रिज्यूम हो जाएंगे और मैं समझ रहा हूँ आपकी आई थिंक सेवन एट डेज वेस्ट हुए हैं है ना और ऑफ़कोर्स आपसे ज़्यादा मुझे दुख है इस चीज़ का कि इतने दिन ख़राब हो गए हमारे तो कोई बात नहीं है ना स्पीड पिकअप करेंगे थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं थोड़े लंबे लेक्चर लेने की कोशिश करूँगा ठीक है जो भी पीछे काम पेंडिंग है उसको हम बहुत आराम से कवर अप कर लेंगे वो मेरी ज़िम्मेवारी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बस अब फिंगर्स क्रॉस रखते हैं होप फॉर द बेस्ट सब कुछ ठीक रहे और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर आती रहे बस ठीक है तो अगर ये सब आती रहेगी तो कोर्स मतलब मैं अपना आराम से काम कर सकूँगा मेरे लिए सबसे फेवरेबल टेम्परेचर और टाइमिंग सब कुछ वो है सुबह चार बजे वाला टाइमिंग अब देखो होप फॉर द बेस्ट आज सब कुछ ठीक ठाक रहे लाइट प्रॉपर रहे तो मॉर्निंग में उठ के हमारा पेड़ का तो लेक्चर बनी जाएगा और उसके बाद थोड़ा सा जैसे मैं रेस्ट वगैरह करता हूँ और उठ के उसके बाद मैं अपना ये जो यूट्यूब का लेक्चर है वो भी बना दूंगा ठीक है ओप फॉर द बेस्ट सब कुछ ठीक रहे कल से आपकी क्लासेस में रिज्यूम करने की कोशिश करूंगा ठीक है ओके थैंक यू सो मच बाय बाय